So hi guys and welcome to another video on our channel. And today we'll be talking about our Amity campus placements worth it. So I am Sahil and I am currently a fourth year undergrad student in Amity University, Noida. And I am placed in Shell and I'll be joining my company later this year in July. So today I have with me my friend Priyankar Medhi. So Priyankar, can you please introduce yourself to everyone? Hello everybody. मेरा नाम जैसे बताया उसने प्रियंकर है. मैं भी इसका क्लासमेट हूँ, फोर्थ ईयर CSE फ्रॉम एमिटी नोएडा. तो आज हम वही बातें करेंगे थोड़ा प्लेसमेंट वेसमेंट का. सो आई एम करेंटली प्लेस्ड इन सैमसंग R&D नोएडा. तो मेरी अभी इंटर्नशिप चल रही है, फिर फुल टाइम स्टार्ट हो जाएगा जुलाई से. ग्रेट. तो एक्चुअली आज हम बात इस बारे में करने वाले हैं कि मतलब मार्केट में ना एक इमेज है एमिटी को लेके कि एमिटी की ना प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ से ना जॉब नहीं लगती. मतलब यहाँ पे बस मजे करने जाओ तो ठीक है, बट करियर वाइज इट इज नॉट अ गुड डिसीजन टू गो देयर. वरना कई बच्चे प्रेफर करते हैं कि ड्रॉप कर लें या फिर किसी और कॉलेज के लिए तैयारी करें, है ना. लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, प्लेसमेंट्स काफी इंप्रूव हो चुकी है एमिटी. और क्योंकि हम दोनों ने ही अपने कॉलेज से एक डिसेंट प्लेसमेंट उठाई है दोनों ने, जैसे कि बताया प्रियंकर सैमसंग के अंदर प्लेस्ड है और मैं शेल के अंदर, तो हमको अपनी प्लेसमेंट प्रोसीजर के ना इन्स एंड आउट्स काफी पता चल चुके हैं. तो आज ही हम उस बारे में बात करने वाले हैं कि कैसी चीजें एमिटी के अंदर इम्प्रूव हो चुकी है. राइट. तो यार प्रियंकर, सबसे पहले तो ना ये बताओ सबको कि कितनी कंपनीज आई थी इस साल हमारे कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट्स के लिए. तो हमारा एवरेज रिकॉर्ड हमेशा अराउंड 300-350 कंपनीज हमेशा आती है एवरी ईयर. तो प्रॉब्ली इस ईयर भी वही रिकॉर्ड फॉलो हो रहा है. तो आई थिंक हाँ, समथिंग अराउंड 300-350 के रेंज में कंपनीज आती हैं. और कैसे टाइप्स की थी सारी, कौन कौन सी स्टार कंपनीज आई थी, वो भी पूरा बता दे एक बार सबको. तो कंपनीज तो पूरा रेंज आता है उसमें कि सारे टाइप के आएंगे, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, रोल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स के लिए भी अलग अलग टाइप की कंपनीज भी थी. तो प्रोडक्ट बेस्ड में जैसे जो साधारण आदमी को पता है, जैसे गूगल, अमेज़ॉन और हमारा स्विस. प्रोडक्ट बेस्ड में हमारा वो हो गया सैमसंग, शेल जैसे हमारे साहिल प्लेस्ड हैं. फिर बिग फोर में जैसे EY हो गया, PwC. फिर सर्विस बेस्ड में हमारे जो माने जाने कंपनीज हैं जैसे TCS, विप्रो, इंफोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, ऐसी चीजें सारी कंपनीज आई थी सारे रोल्स टाइप के लेके. ओके. तो मतलब सारे वाइड रेंज ऑफ कंपनीज आती है, मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनीज आ रही हैं या फिर सिर्फ मास रिक्रूटर्स आ रहे हैं. जो बच्चे AIB की स्केच देख के आते हैं तो उन्हें लगता है सिर्फ मास रिक्रूटर्स आते हैं, तो ऐसा है नहीं. एक्चुअल में सारी कंपनीज आ रही है, अपॉर्चुनिटीज सारे बच्चों को काफी मिल रही हैं एमिटी के अंदर. बिल्कुल बढ़िया. ठीक है. तो यार दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि यार कंपनीज तो बहुत आ रही हैं, वो ठीक है, हमें ये बताओ कि प्लेसमेंट में पैकेज कितना मिल रहा है, क्या रेंज क्या है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज कितना ऑफर कर रही हैं, और क्या कोई कंपनीज इतनी भी आती हैं जो 10+ भी दे रही हैं, काफी अच्छा पैकेज भी दे रही हैं, तो थोड़ा उस बारे में भी बता दे. तो हमारा यूजुअली रिकॉर्ड रहता है एवरेज समथिंग अराउंड 3.5-4. लास्ट 4-5 ईयर से ये रिकॉर्ड चल रहा है, बट लास्ट ईयर और उसके अबव भी हमारा इस ईयर अभी तक तो वो प्लेसमेंट विंडो कंप्लीट नहीं हुआ तो रिकॉर्ड तो निकला नहीं. बट हमने जो आंखों से देखा है, हमने जो कानों से सुना है, भाई हमारे हिसाब से तो समथिंग अराउंड 5-5.5 या 6 के रेंज में ही चल रहा है एवरेज. मोस्टली सबकी उतने में लगी है हमने जितना देखा है. और जैसे 350 कंपनीज मैंने बताई जैसे आती हैं, तो उसके अंदर से 50+ कंपनीज ऐसी होंगी जो 8 and above या फिर 10+ दे रही थी, डबल डिजिट्स में ऑफर कर रही है. हाँ, समथिंग अराउंड 50-70 कंपनीज तो आती हैं जो डबल डिजिट के वाले पैकेज दे रहे हैं. नाइस. और बाकी काफी 6-7.5 से 8.5-9 तक की रेंज में भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज आती हैं, 100-150 कंपनीज आ रही हैं. हाँ. और बाकी कंपनीज वो एक्यूरेट ब्रेकडाउन तो हम अभी दे नहीं सकते क्योंकि अभी भी प्लेसमेंट विंडो चल रहा है, बट जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो हमने सुना है, देखा है, जो हम देख रहे हैं, तो ब्रेकडाउन ऐसे कर सकते हैं कि अगर 350 कंपनीज हैं तो उसमें से मान लो 50-70 कंपनीज जो आ रही हैं वो डबल डिजिट्स समथिंग अराउंड 9-10 के अबव वाले पैकेजेस दे रहे हैं. और अराउंड मैं मानूंगा, मान लो कितने 100-120-130 कंपनीज होंगी जो मिडिल वाला दे रहे हैं, जो लाइक 4-8 ऐसा वाला रेंज वाले दे रहे हैं. और 4-5 वाले भी हैं
वो भी हैं, सारे टाइप की कंपनीज हैं। बढ़िया है, मतलब कंपनीज बहुत आ रही हैं, पैकेजेस भी सही हैं कंपैरेटिवली देखा जाए तो, क्योंकि एमिटी अगर हम देखें तो एक तरीके से टीयर 3 कॉलेज में ही पड़ता है ना, तो सबको पता ही है इमेज, तो थोड़ा सबको पता ही है, बट कंपैरेटिवली जैसे और कॉलेजेस हैं इसकी रेंज में आईपी वगैरह, उनसे तो काफी बेहतर कर रहा है, मतलब देखा जाए तो पता जाएगा, तेरे भी दोस्त होंगे मेट के या फिर सूरजमल वाले कॉलेज के, तो वहां पे ज्यादा कैंपस में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, मतलब कंपैरेटिव टू एमिटी, है ना, क्या कह रहे हैं? आई थिंक देर इज अ स्लाइट इम्प्रूवमेंट, मतलब लास्ट 3-4 ईयर से जो हमारे फैकल्टीज और हमारे जो सबसे बात सीनियर से भी बात हो रही है, तो इस हिसाब से आई थिंक एक ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट तो है, और कुछ फैक्टर्स वो भी हैं, पोस्ट कोविड थोड़ा सिनेरियो भी चेंज हुआ है इंडस्ट्रीज का, प्लेसमेंट का, तो उससे तो हमें लेना देना नहीं है, हमें अपने पैकेज से मतलब है, हमारे प्लेसमेंट से मतलब है, तो हमें तो बेनिफिट ही मिला है, इतना कहूंगा। ये तो है, ये तो है। चल फिर अब एक और बात कर लेते हैं कि यार कंपनीज किस रोल्स के लिए आती हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि एमिटी के अंदर ना कंपनी सिर्फ सेल्स वाली जॉब्स देती हैं, या फिर अगर आती भी हैं तो सिर्फ टेस्टिंग वाली जॉब्स के लिए आती हैं, मेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला रोल मिलता है या नहीं मिलता, उसका बता कुछ। देखो अब कंपनीज आती हैं तो एवरी कंपनी हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स, तो ऐसा नहीं कि TCS या तुम्हारा कोई कॉग्निजेंट आ रहा है तो सिर्फ तुम्हारे वो जो बेसिक सर्विस बेस वाला काम है वो नहीं, उसमें भी एडवांस रोल्स के लिए भी बच्चे ले जाते हैं। मान लो एक ही कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुम्हारे वो जॉब रोल्स के लिए आती है, तो वो भी तुम्हारे तुम्हारे स्किल लेवल पे डिपेंड करता है कि तुम उसको क्रैक कर पाओगे कि नहीं। तो मैं मेरे हिसाब से तो आ तो रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ, और सिर्फ ऐसा नहीं कि SD के अंदर तुम बैकएंड डेवलपर हो सकते हो, तुम AWS वाले हो सकते हो, तुम ये भी हो सकते हो कि एंड्रॉयड डेवलपर हो सकते हो, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेटवर्क स्पेशलिस्ट कोई है, हम में से जाने माने कोई हैं जो सिस्को में प्लेस हुए हैं, तो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं, तो अच्छे रोल्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक डेटा एंट्री और वो वाले जॉब होंगे। सारे बढ़िया रोल्स हैं, तो मतलब सिस्को भी आती है, एक तो हम पहले भूल गए थे, सिस्को भी आती है, सिस्को ने भी काफी बच्चों को प्लेसमेंट दिया है। हाँ ठीक है, और अडोबी भी आती है, मुझे वो भी याद आ गया, मैं सारी कंपनीज बता दी, कोई छूट ना जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा एमिटी प्लेसमेंट पोर्टल के बारे में बताएगा इनको, क्योंकि मेरे को इतना पता था, तूने बताया कि सारे जो रोल्स हैं कंपनीज के वो हमें पता चल जाते हैं, जो JDs आते हैं उनके, है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन आते हैं, तो उसमें क्लियरली स्टेटेड होता है कि ये कंपनी इस पर्टिकुलर रोल के लिए हायर करी, जैसे तूने बताया बैक एंड रोल, फ्रंट एंड, सारी चीजें उसमें स्पेसिफाई हो जाती है। तो और वो JDs आते तो हमारे एमिटी प्लेसमेंट पोर्टल पे ही है ना, तो थोड़ा एक बार एमिटी प्लेसमेंट पोर्टल का इनको बता दे कि कैसे वो उसको यूज कर सकते हैं और क्या रहता है एमिटी प्लेसमेंट पोर्टल का। तो प्लेसमेंट पोर्टल बेसिकली एक अलग सा वेबसाइट है डिजाइन बाय एमिटी, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अपकमिंग कोई भी फॉर्म ओपन हुआ या कोई भी ऐसे एप्लीकेशन आया, तो वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे आपको पोस्ट होता है, तो हमें सबको सलाह दिया जाता है कि एवरी डे मेक इट अ हैबिट टू चेक द पोर्टल कि कोई भी न्यू एप्लीकेशन या कोई भी इफ नॉट जस्ट एप्लीकेशन जो तुमने अप्लाई कर रखे हैं तो उनके रिजल्ट भी वहाँ पे पब्लिश होते रहते हैं, और सिर्फ वही नहीं कि पास 3-4 ईयर्स के रिकॉर्ड भी वहीं पे पब्लिश होते रहते हैं। तो हम जब प्लेसमेंट से पहले बैठते थे, हम पोर्टल में ही जाते थे और प्रीवियस रिकॉर्ड्स हम फॉलो करते थे कि कौन सी कंपनीज कैसी कंपनीज, तो तुम स्टडी कर पाओगे वहाँ पे रियल स्टैटिस्टिकली डेटा वहाँ पे गिवन है प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स का। ठीक है, तो मतलब वहाँ पर हमको जैसी कोई कंपनी आएगी तो हमें ध्यान देना है एक तो कि कोई कंपनी छूट ना जाए, वरना ऐसा बड़ा होता है कि कंपनी आके चली जाती है और पता चलता नहीं, तुम अप्लाई नहीं करते, हमारे साथ तो बहुत हुआ है ऐसा, है ना, तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो उसको रेगुलरली चेक करना है जैसे प्रियंका ने बताया। तो और बाकी मैट से जान लेते हैं कि कैसा रहा उनका पूरा प्लेसमेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि सैमसंग इन्होंने तो दो दो प्लेसमेंट उठाई हैं, दो से भी ज्यादा 3 प्लेसमेंट उठाई हैं इन्होंने, तो अपना पूरा प्लेसमेंट एक बार जर्नी कैसी रही तेरी, कैसा रहा एक्सपीरियंस, वो थोड़ा बता दें सब बच्चों को, फिर एंड कर दें। थोड़ा इन्फॉर्मेशन जैसे हो गया कि प्लेसमेंट हमारा सीजन स्टार्ट होता है अराउंड जब हम फोर्थ ईयर में होते हैं, फोर्थ ईयर के जो 2 सेम्स होते हैं उसमें हमारा प्लेसमेंट सीजन चलता है बेसिकली, तो अराउंड अगस्त स्टार्ट होता है और फरवरी मार्च तक सबको मिल ही जाता है तब तक। तो अगस्त में मेरे को पहले फर्स्ट कंपनी आई थी DXC टेक्नोलॉजी, सर्विस बेस्ड कंपनी है,
तो उसमें मैंने बैठा था, मेरा इंटरव्यू हुआ, वो क्लियर हो गया था. सो वो मेरा पहला जॉब ऑफर था जो मिल गया था मुझे. तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मिल गया तो तुम बैठ जाओ संतुष्ट रहो, तुम्हारे पे. तो 2N-1 वाला हमारा यहाँ पे फॉलो होता है यूजुअली, सारे कॉलेजेस में, जनरली कॉलेज में यूज होता है. तो 2N-1 ऐसा होता है कि जैसे तुम्हें फर्स्ट प्लेसमेंट एक एन पैकेज का मिल गया, तो नेक्स्ट जिसके लिए तुम ट्राई कर रहे हो दैट शुड सेटिस्फाई द 2N-1 थिंग. जैसे तुम्हें चार का मिल गया मान लो, तो 2N-1 उसका कितना हुआ, 2, 8-1 दैट इज 7. सो यू कैन अप्लाई फॉर 7 एंड 7 अबव. तो मुझे DXC के मिलने के बाद मैं 2N-1 वाले पे अप्लाई किए जा रहा था. तो थेल्स एक कंपनी है जिसके मैं काफी फर्दर राउंड तक गया था, बट फॉर सम रीजन मेरा HR राउंड तक कुछ हुआ और हुआ नहीं. फिर फाइनली अराउंड नवंबर सैमसंग आई थी, तो सैमसंग का वो क्लियर हुआ, तो बस वो ले लिया. अब बढ़िया है। और अब इंटर्न चल रहा है बढ़िया सैमसंग के अंदर, 1 महीने से कर रहा है और होपफुली कन्वर्ट भी करेगा उसको फुल टाइम ऑफर के अंदर। बढ़िया है। तो चलो लाइटर नोट के ऊपर वीडियो खत्म करेंगे। तो हमने सारे तेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करी, गुड एक्सपीरियंसेस के बारे में, एक बैड एक्सपीरियंस भी शेयर कर दे जो कि मुझे पता है तेरा हुआ था EY के अंदर। तो उसका कुछ बता कि क्या हुआ था उसके अंदर। यार उसका टेस्ट क्लियर हो गया था. सो उसका GD भी क्लियर हुआ. तो इंटरव्यू में थोड़ा जो होता है बेसिकली अनप्रिपेयर्ड था, और वो अर्ली स्टेजेस होती है ना, तो प्रिपरेशन का तो मैं क्या बोलूँ. जितने तुम पेपर्स दोगे, जितने इंटरव्यूज दोगे, तो तुम्हारा प्रिपरेशन उस हिसाब से उसमें ही स्ट्रांग हो जाएगा. तो प्रॉबेबली एक दो इंटरव्यू दिए थे तब तक मैंने, एक ही था हाँ, DXC वाला ही हुआ था, उसके बाद EY का हुआ था. तो थोड़ा डीमोरलाइज हो गया था. अब क्या बताऊँ, ज्यादा अब शब्द यूज नहीं करना चाहता. इंटरव्यूअर ने बस तुझे भगगरीब नहीं बोला, बाकी सब हो गया। माल सारे टाइप के एक्सपीरियंस जरूर है भाई. तुम्हारा वो तो देखो है, इंटरव्यू ना, इंटरव्यू तो वो तो है। तुम्हारे इंटरव्यूअर पे होता है ना, तो अब वो किस्मत तुम कहाँ से लाओ तो देख लो. तो इसी बात पे मैं जानना चाहता हूँ साहिल, तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ तुम्हारे प्लेसमेंट का. हाँ, तो स्टार्टिंग के अंदर काफी कंपनीज आ रही थी जैसे DXC वगैरह, जिसने बताया मैटी ने, तो प्रियंकर ने, इसका नाम मैटी है वैसे। तो मैंने उनके चलेगा. अंदर तो अप्लाई नहीं किया था। DXC के अंदर मैंने अप्लाई नहीं किया था क्योंकि थोड़ा उनका पैकेज वगैरह कम था। तो लेकिन फिर ना सबकी जॉब लग रही थी, जैसे प्रियंकर की लग गई और मेरे दोस्तों की जॉब लग रही थी। तो मेरे को ना फोमो हो रहा था कि यार मेरे को जॉब, क्योंकि तब तक कंपनीज अच्छी आई नहीं थी और सबको लगता था कि नहीं आती हैं कंपनियां। तो मेरे को लगा यार कोई भी मिले भाई पहले जॉब ले लो एक, ताकि थोड़ी सिक्योरिटी हो जाए। तो मैंने कैपजेमिनी का इंटरव्यू ढंग से दिया था, बिल्कुल अच्छे से। तो उनका पहले ऑनलाइन टेस्ट वगैरह जो भी था वो क्लियर हुआ, और फिर इंटरव्यू हुआ था और HR राउंड हुआ था 1-on-1, तो वो मेरा क्लियर हो गया था। तो मेरे को कैपजेमिनी, लेकिन रिजल्ट कैपजेमिनी का अभी तक आया नहीं था, बट मेरे को यह था कि मेरा बहुत अच्छा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा। तो मैं बस बैठा हुआ था उसके लिए, और फिर मेरा बाद में जाके कैपजेमिनी में हो भी गया था। फिर उसके बाद शेल आई थी हमारे यहाँ पे, तो शेल का तो सबसे ज्यादा पैकेज था उस टाइम तक, सबसे बड़ी कंपनी आई थी शेल, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, Fortune 500 में 5th रैंक पे। तो सबका मन कर गया कि भाई जाना है इसके अंदर। तो और लेकिन वो बच्चे बड़े कम लेके जाती थी हमारे कॉलेज से, यूजुअली 8 बच्चे लेके जाती थी बस। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं, देते हैं अपनी पूरी मेहनत करते हैं। तो वो किया, लेकिन थैंक गॉड इस बार क्या हुआ कि शेल को ज्यादा बच्चे चाहिए थे, तो उन्होंने हमारे कॉलेज से 70 बच्चे उठाए हैं। मतलब देखो कि अच्छा पैकेज है उनका, 10+ पैकेज दे रहे हैं वो, और उन्होंने 70 बच्चे उठाए हमारे कॉलेज से। तो मतलब प्लेसमेंट काफी इंप्रूव हो गई है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात की मेरा भला हो गया कि मुझे वहां जॉब मिल गई। और बस, तो फिर मेरा तो हो गया। उसके बाद क्योंकि 2N-1 वाली पॉलिसी होती है, तो अब खुद आप हिसाब लगाओ कि मतलब 20+ की रेंज में तो ज्यादा कंपनीज नहीं आती, कम ही आते हैं, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी उसमें कम है 20+ में। तो जितने उसमें चांसेस आते हैं अभी भी रेगुलरली, मैं उनमें अप्लाई कर देता हूँ। बाकी आई एम ट्राइंग ऑफ कैंपस अगर हो सकता है तो, बस वही चल रहा है अभी तो। वाह दैट्स ग्रेट. तो कंक्लूजन में यही कि यही इम्प्लाई करना चाहते हैं कि जो फॉल्स इमेज बना है MIT का, कि प्लेसमेंट एक बड़ी फैक्टर होती है, तुम्हारे डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि कॉलेज चूज करेंगे टाइम. हमने भी देखा था उस हिसाब से, तो आई थिंक थिंग्स आर इम्प्रूविंग. फिर अपना अपना भी थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा स्मार्ट बनो, और क्या हो जाना चाहिए, कुछ हाँ, ना कुछ हम अगर जैसों का हो गया अपना तो हो ही जाता सही है. बात है, हमारा अगर तुम्हारा भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा काम करने वाली बात है, और जॉब पक्का मिल जाएगी। तो
आ सकते हो एमिटी अगर आप ज्वाइन करने की सोच रहे हो इस समय, या फिर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर हो, तो बिल्कुल जॉब मिल जाएगी। अगर तुम अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, सीजीपी वगैरह सब बढ़िया रख रहे हो, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, चढ़ने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है यार, तो फिर इसी नोट पर। हाँ बता बता। तो वही प्लेसमेंट पोर्टल अगर आपको देखना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन कर देंगे हम लोग। तो अगर हाँ। आपको रिकॉर्ड वगैरह देखना है, रिजल्ट्स देखना है, करंट रिजल्ट्स देखना है, तो वहाँ पे सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा फैक्ट चेक अगर करना है तो कर लेना वहाँ पे जाके। हाँ ठीक है, तो यार इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। थैंक यू गाइस, बाय। थैंक यू एवरीवन, बाय।